राफेल घोटाले को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस ने गांधी चौक पर जमकर धरना प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला जलाया। वहीं इस दौरान पुतला जलाने पर पुलिस के द्वारा रोकने पर कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई तो बाद में ज्ञापन सौंपने जा रहे उपायुक्त कार्यालय के अंदर जिला महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न जाने देने पर नोकझोंक हुई। प्रदर्शन के दौरान बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, महिला अध्यक्ष राज धीमान मौजूद रहीं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि राफेल घोटाले की जांच के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में राफेल खरीद को लेकर करोड़ों रुपए खर्च का हिसाब दिए जाने पर चुप्पी साधी जा रही है, जिसको लेकर ही कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आज का जो धरना था वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देशों से पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर मनाया गया, जिसमें सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ब्लॉक प्रेसिडेंट और महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और आज का जो मुख्य हमारा एजेंडा था, जो जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना कि जो राफेल डील में जिस तरह से केंद्र सरकार ने और माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने संसद में केंद्र की सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा था कि राफेल डील के ऊपर जो पैसा खर्चा किया जा रहा है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। आज हमने भी उसके इनके माध्यम से जिला प्रेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को लिखा है कि इसकी जो जाँच की जानी चाहिए कि क्या राफेल डील क्या जरूरत पड़ी कि एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, क्या उसके ऊपर कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक हाल ही में पंजीकृत एक प्राइवेट कंपनी को जो है वो इसका टेंडर दिया। तो आज हमारे देश की जो जनता है ये जानना चाहती है कि जो जनता की जेब से पैसा खर्चा जा रहा है उस पैसे को सार्वजनिक किया जाए, इस डील में कौन शामिल है और इस डील का क्या महत्व है, इसके लिए हमने जिला के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को जो आज ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भी बिना वजह पुलिस के द्वारा चौक पर पहले पुतला जलाने नहीं दिया गया तो बाद में डीसी कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। लखनपाल ने कहा कि अपने समय में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के ताले तक तोड़ दिए थे, लेकिन आज सत्ता में आने पर बीजेपी मनमानी कर रही है। जिला हमीरपुर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, कुलदीप सिंह पठानिया जी ने, प्रेम कौशल जी ने, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर जी, सुनील बिट्टू जी और यहां पर तमाम जो हमारे सिटी के प्रधान हैं मनोज जी, सेवा दल के अध्यक्ष हैं और इंटक के हमारे अध्यक्ष हैं, महिला की हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और सभी अन्य जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक शांतिपूर्वक तरीके से हमारा कार्यक्रम चला हुआ था। और यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की दे बजे, और जब उसके बाद हम चौक से उपायुक्त महोदय के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर उपायुक्त महोदय के कार्यालय के बाहर भी पुलिस प्रशासन ने जो है बहुत ही नकारात्मक तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, पदाधिकारियों को रोकने की कोशिश की। तो ये लोकतंत्र में इससे पहले भी इस प्रकार के घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो गेट तक तोड़ दिए थे, ताले तक तोड़ दिए थे यहाँ पर डीसी ऑफिस के। आज अगर हम शांतिपूर्वक तरीके से जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे थे तो वहाँ पर पुलिस कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने चमचागिरी के तहत जो ये काम किया, ये निंदा का कारण है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राज धीमान ने कहा कि गांधी चौक पर पुतला जलाने के बाद डीसी कार्यालय में पहुंचे लेकिन महिलाओं के साथ पुलिस ने हाथापाई की, जो कि लोकतंत्र में गलत बात है। उन्होंने कहा कि बाद में डीसी से भी इस बारे में बात की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। गांधी चौक में बड़े आराम से जो है राफेल डील के ऊपर जो है उपायुक्त को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे थे तो उसमें उतने में पुलिस आई और जिला महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने हाथापाई की, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, अगर महिलाओं के साथ
इसी तरह का दुर्व्यवहार करते रहेंगे तो महिलाएं अपनी आवाज उठाएंगी और सड़कों के ऊपर महिलाएं जो है वो आ जाएंगी और अपने हकों की लड़ाई के लिए वो लड़ेंगी। हमने डीसी को जो है वो डीसी के माध्यम से भी ये बात की और हमें उपायुक्त ने आश्वासन दिलाया कि आगे से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। आज जो जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में राफेल डील का जो घोटाला हुआ है उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन था और माननीय जिला उपायुक्त महोदय जी को हमारे कांग्रेस की तरफ से जो है ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य है, किंतु आज बड़ी विडंबना की बात है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ मातृशक्ति को इस देश में एक सम्मान दिया जाता है, आज पुलिस प्रशासन की एक दुर्व्यवहार और एक अमानवीय कार्य देखने को मिला। आज जब हम और हमारी मातृशक्ति जिला उपायुक्त महोदय जी के पास ज्ञापन देने जा रहे थे तो रास्ते में जो है दो बार जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है महिलाओं से खासकर हाथापाई की।